जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा भगवान नाम महिमा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान ने नाम में अपनी पूरी की पूरी शक्ति महिमा रख दी है, और इसमें विलक्षणता यह है कि इसको लेने में कोई समय नहीं बांधा गया है कि अमुक समय में नाम ले सकते हैं, उसके सिवाय नहीं। प्रत्युत भगवान ने तो नाम लेने में सब समय छूट दे रखी है। नाम को तो आप सुबह शाम दोपहर रात हर समय ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे नाम जप लेना भाग्य में लिखा नहीं है। तो सज्जनों, अभी नाम जप करके नाम लिखा लो, इसमें देरी का काम नहीं है। इसका दफ्तर हर समय खुला है। कभी करो, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, संपत्ति में, विपत्ति में, सुख में, दुख में आप भगवान का नाम लें तो अभी आपका नाम लिखा जाएगा और नाम की पूंजी आपके भाग्य में एकत्रित हो जाएगी। अब नाम को भूल ना जाएं, इसका ख्याल रखना है। उसके लिए एक उपाय बताता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। आप लोग मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे यह प्रार्थना करें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा मिनट मिनट, आधे आधे मिनट में आप कहते रहो। नींद खुले तब से लेकर गाढ़ी नींद न आ जाए तब तक हे प्रभु आपको मैं भूलूं नहीं ऐसा कहते रहो। और राम 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 कहते हुए साथ में कह दें, हे नाथ मैं भूलूं नहीं। जब आप राम 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 कह रहे हैं, राम 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 कहते हुए भी मन से दूसरी बातें याद आ जाती हैं, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान से कहो, हे नाथ मैं भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका नाम लेता रहूं और आपको भूलूं नहीं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से यह भूल मिट जाएगी, भजन होने लगेगा, फिर अखंड भजन होगा। अखंड ताली लागी नाम से और पड़ो समंद से सीर, भगवान के नाम की धुन लग जाएगी। फिर आपको भीतर स्मरण करने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही भगवान की कृपा से नाम चलेगा, भजन चलेगा। परंतु पहले आप नाम लेने की चेष्टा करो और भगवान से प्रार्थना करो। एक समय की बात है, मुझे तिथि सही से याद नहीं, मैंने एक संत का पत्र पढ़ा था जो कि उन्होंने अपने प्रेमी के प्रति दिया हुआ था। छोटा कार्ड था, पहले छोटा कार्ड हुआ करता था, एक दो पैसे के कार्ड में मैंने समाचार पढ़ा था। अपने सेवक के प्रति लिखा था, एक नाम छूट जाए, इतना काल समय अगर खाली चला जाए तो ब्याहे हुए बेटे के मरने जैसा शोक होना चाहिए। राम राम, गजब ही हो गया। यह लिखा था उस पत्र में कि ब्याहा हुआ लड़का मर जाए तो हृदय में एक चोट पहुंचती है कि ऐसा कमाने वाला सुपुत्र बेटा मर गया, तो उससे भी ज़्यादा दुख होना चाहिए कि एक नाम उच्चारण करें इतना समय खाली जाने पर। क्योंकि जो लड़के छोटे हैं वे बड़े हो जाएंगे, गृहस्थों के और फिर पैदा भी हो जाएंगे, परंतु समय थोड़े ही ना पैदा हो जाएगा। जो समय खाली चला गया वह तो घाटा पड़ ही गया। इस वास्ते हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा समय बर्बाद ना हो जाए। जो दिन जाए भजन के लेखे, सो दिन आसी गिनती में, वह दिन गिनती में आएगा। बिना भजन के जो समय गया उसकी कोई कीमत नहीं, वह तो बर्बाद हो गया, बड़ा भारी नुकसान हो गया, घाटा लग गया बड़ा भारी। अब तक जो समय संसार में लग गया वह तो लग ही गया, अब सावधान हो जाओ। सज्जनों, भाइयों, बहनों, दिन में थोड़ी थोड़ी देर में देखो कि भगवान का नाम याद है कि नहीं। घर में जगह जगह भगवान का नाम लिख दो और याद करो। भगवान की तस्वीर इस भाव से सामने रख दो कि वे हमें याद आते रहें।
हमें भगवान को याद करना है। घर में भगवान का चित्र रखो, पर इस भावना से रखो कि तस्वीर पर हमारी दृष्टि पड़ते ही हमें भगवान की याद आ जाए। ऐसे भाव से रखकर सुंदर सुंदर भगवान के नाम लिख दो, जहाँ दृष्टि जाए वहीं नाम लिख दो। ऐसे गृहस्थ के घर को मैंने देखा है, सीढ़ी से उतरते हैं तो वहाँ नाम लिखा हुआ है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो सामने नाम लिखा हुआ है, जहाँ घूमते फिरते हैं वहाँ नाम लिखा हुआ है। वे नाम इस वास्ते लिखे हैं कि मैं भूल ना जाऊँ, प्रभु के नाम की भूल ना हो जाए। ऐसी सावधानी रखो सज्जनों, यह असली काम है, असली बड़ा भारी लाभ है इसमें। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घना नहीं आण। इसमें नुकसान है ही नहीं, केवल नफा ही नफा है, बस फायदा ही फायदा। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक बन जाए, एक सांस भी खाली न जाए। जय श्री राधे।